हमने सुना था कि प्यार में लोग किसी भी हद से गुजर जाते हैं, पर आज देख भी लिया। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में एक आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए अपने मालिक के ही घर में 15 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। दरअसल मामला कनाडिया थाना क्षेत्र के बिचोली मर्दाना में रहने वाले फरियादी राजेश जैन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी करीब 15 लाख रुपये मूल्य का सामान को अज्ञात बदमाश चोरी कर फरार हो गया है। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को संदेह होने पर राजेश जैन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने वाले जितेंद्र खंडेलवाल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर पार्टी देने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। एक ग्रैंड एक्जोटिका टाउनशिप है बिचोली मर्दाना रोड पर, वहाँ पर फरियादी राजेश जैन निवास करते हैं। वो एक शादी से जब वापस आए तो उन्होंने ऑफिस जाने के लिए अपने घर पर ब्रेसलेट पहनने के लिए तलाश किया। उस समय ब्रेसलेट घर पर नहीं मिला तो उन्होंने और घर में तलाश किया तो उनकी पत्नी के साथ, तो बाकी बहुत सारा सामान करीब 23 तोला सोना जो है वो और 1,30,000 रुपये नकद ये घर पर नहीं मिले। चूँकि ताला घर का टूटा नहीं था इसलिए उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है शादी वो चोरी। उसके बाद वो है जो थाने आए, उन्होंने थाने पर सूचना दी तो उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया धारा 380 का। विवेचना में प्रारंभ से ही चूँकि ताला नहीं टूटा था मकान का, इसलिए हमारा संदेह प्रारंभ से ही ऐसे परिचित लोगों पर, खासकर उनके कर्मचारी नौकर और रिलेटिव्स पर था। इसी दिशा में हमने जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। थाना प्रभारी आईडी कांबा साहब के साथ जो है घटनास्थल का सूचनात्मक निरीक्षण किया, वहाँ पर लोगों से पूछताछ की। प्रारंभ में जो उनके रिलेटिव नौकर कर्मचारी थे उन्होंने सभी ने घटना से इनकार किया। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो उनके कर्मचारियों के बैकग्राउंड पर, उनके गृह निवास स्थान के बारे में जानकारी ली, उनके रिलेटिव्स के बारे में जानकारी ली और उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करके उन पर नज़र रखना स्टार्ट किया कि किसी के पास कुछ अलग से पैसा एकदम से आया है क्या, कोई ऐसा काम कर रहा है। इस बीच हमें पता चला कि उनका एक कर्मचारी जो है ड्राइवर राजेश खंडेलवाल, उसने अभी जो है लव मैरिज की थी और उसका ससुराल पक्ष से भी थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, तो वो अपनी पत्नी को मकान देख रहा है, मकान तलाश कर रहा था खरीदने के लिए। हम लोगों का संदेह और अधिक बढ़ गया कि एक ड्राइवर नौकर जो है ऐसी लॉकडाउन के समय में मकान तलाश कर रहा है तो जरूर उसने कुछ हरकत की हुई। उसके बाद हम लोगों ने उसको और सतत निगाह रखी, उसके फिर मुखबिर को लगाया, मुखबिर सूचना के आधार पर उसके कई ठिकानों पर ग्राम पाल्या में और जगह भी दबिश दी। फिर आज जो है वो मुखबिर सूचना पर कुलकर्णी का भट्टा में उसके ससुराल है, वहाँ वो निवास करता था, वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर है, तो पुलिस टीम के साथ दबिश दी, आरोपी वहीं पर मिला। उससे जो है सूझबूझ के साथ हुकमत अमली से पूछताछ की। पूछताछ में उसने कबूल किया कि हाँ उसी ने ये चोरी की है। चोरी करने का तरीका उससे पूछा तो उसने बताया कि कुछ समय पहले जो है वो फरियादी पक्ष की को लेकर जाता था ड्राइवरी के टाइम पर, तो वहाँ चाबी जो है गाड़ी में रह गई थी किसी कारण से, तो वो चाबी से उसने जो है अपने पास रख ली, चाबी चुरा ली वहाँ से। और फिर जब ये लोग शादी में गए अभी कुछ समय पहले 11 तारीख को, तो 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये दो बार वहाँ पर गया। ताला जो किचन तरफ का उनका दरवाज़ा है वो चाबी से खोला और दरवाज़ा खोल के अंदर से जो है वो करीब 23 तोला सोने के आभूषण जो हैं वो और 1,30,000 रुपये नकद ये चोरी करके ले गया था। तो इस तरह से ये चाबी से बिना ताला तोड़े जो है वो चाबी चुरा कर इसने इस घटना को अंजाम दिया था। और उसी पैसे से फिर जो है वो काफ़ी टाइम से मकान की तलाश कर रहा था कि जो है इसको ठिकाने लगा के मकान खरीदा जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।